कल जी पूरे देश दे विच और पूरी दुनिया दे विच जी कोरोना वायरस बीमारी चल रही है, इन्दे बारे तुसी की मैसेज देना चाहोगे? इसको मतलब कि आपको एक विश्व युद्ध जैसे कि वर्ल्ड वार वन या टू या महाभारत युद्ध की तरह लेना चाहिए, क्योंकि इसमें मौतें भी वैसी हो रही हैं जैसे तकरीबन 1 लाख अमेरिकन मर चुके हैं, जो कि एक बड़ी बात है। और अभी पता नहीं कि दुनिया में 3 लाख के लोग मर गए हैं, अभी कितने लाख लोग मरेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने मतलब कि बाहर आके इससे लड़ाई करते हुए मरना है या कि छुपे हुए मर जाना है, बिना काम किए भूखे मर जाना है। तो जिस तरह हम लोगों ने भी सब ने शुरू शुरू में सब लोग डर गए थे, अस्पताल बहुत ज़्यादा पेशेंट भी नहीं आ रहे थे, अब धीरे धीरे पेशेंट भी आने शुरू हुए हैं और डॉक्टर्स और दूसरे सब लोग भी, बिजनेस वाले लोग, सरकार ने भी ट्रेन चलाई हैं, बसें थोड़ी थोड़ी करके चलाई हैं, इससे कुछ मॉर्टेलिटी तो बढ़ेगी, पर अगर हम प्रिकॉशन लेंगे तो फिर वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, जबकि इसके बारे में पक्का नहीं कहा जा सकता। पर जो दुनिया को अपने काम रोकने से जो नुकसान होने वाला है, वो मेरा ख्याल कुछ देर के बाद सहन नहीं किया जा सकता किसी से। हमेशा की तरह जिस चीज़ को यूज़ ना किया जाए उसको जंग लग जाती है और वो कभी चल नहीं पाती। इसलिए जैसे कि विश्व युद्ध में तकरीबन 2-3 करोड़ लोग मर गए थे, तो बाकी में फिर भी उसके बाद एक नई दुनिया की शुरुआत हो रही है और पुरानी दुनिया नहीं रहेगी। ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि हमें नई दुनिया में नई दुनिया की तरह एडजस्ट होना पड़ेगा। जैसे मैं अब सर्जरी हमने शुरू की है तो हमने मशीन के लिए, एनएससीएम मशीन के लिए स्पेशल फिल्टर लिए हैं, हमने मतलब कि लोगों के स्पेशल टेस्ट करवाने शुरू किए हैं और बहुत सारी स्पेशल प्रिकॉशन लेके ऑलरेडी कुछ सर्जरीज करी हैं और कई सर्जरीज लाइन पे हैं, क्योंकि लोगों को उनकी ज़रूरत है। वो लोग बिना सर्जरी के तड़फ रहे हैं, किसी का अपेंडिक्स फट गया है, किसी को पित्ते में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, किसी का हर्निया फंस गया है, तो अब उनको अगर सर्जरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। किसी को जैसे माइग्रेंट लेबर है, वो चाहे गलत जा रही ठीक जा रही है, पर वो जा रही है तो उसको रस्ते में नहीं छोड़ सकते, या तो उसको वापस लाओ या उसको जहाँ पहुँचना वहाँ पहुँचाओ। तो इसके लिए आपने जैसे पूछा, जो मैसेजेस हैं वो छोटी प्रॉब्लम को छोटे बात से सेट किया जा सकता है और बड़ी चीज़ को बड़े बात से सेट किया जा सकता है। ये बड़ी समस्या के बड़े हल निकालने पड़ेंगे। एक तो हमको हमारी हेल्थ सुविधाएं, जो कि 2020 में एज पर एलामेटा डिक्लेरेशन जिस पे इंडियन गवर्नमेंट ने साइन किए थे कि सारे हिंदुस्तानियों को संपूर्ण पूरी स्वस्थ सुविधाएं मिलेंगी, उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। उसके लिए मैं ये सोचता हूँ कि हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी भी लिखी है, पहले भी लिखी थी, कि ये सारे जो ESI हस्पताल, सरकारी सिविल हस्पताल, PGI, एम्स और सेंट्रल हॉस्पिटल, इवन मिलिट्री हॉस्पिटल भी, इनका सारा मिला के इंडियन नेशनल हेल्थ सर्विसेज बनाई जाए, जैसे कि नेशनल हेल्थ सर्विस इंग्लैंड में है, UK में है। इससे ये सारे रिसोर्सेज जहाँ भी ज़रूरत है, मैन पावर को, डॉक्टरों को, नर्सिस के इधर उधर लाया जा सकता है, रिसोर्स ज़्यादा हो जाएंगे। ये छोटे छोटे चीज़ें कुछ नहीं कर रही, इससे मतलब कि इफेक्टिव हेल्थ केयर सिस्टम नहीं दिया जा रहा। एम्स और PGI एक अच्छे एक्सपेरिमेंट थे, 60 साल पहले तकरीबन शुरू हुए थे, परंतु उनको ज़्यादा बढ़ाया नहीं गया। हमको मतलब कि हजारों एम्स चाहिए जैसे हॉस्पिटल, बड़े 10-10 हज़ार बेड का हॉस्पिटल हर जगह। दूसरा, हमने कई बार रिक्वेस्ट की है, जब मुसीना कदवई हेल्थ मिनिस्टर थी दरबारा सिंह जी के साथ और अपने फादर के साथ, एक बार मुझे उनके मिलने का मौका मिला था, मैंने उनको भी कहा था कि मैडम ये दवाइयाँ क्या लड्डू हैं? कहते आपका क्या मतलब? मैंने कहा भैया इन पे, मैडम आप इन पे टैक्स क्यों लगा रखे हैं, लोग की मजबूरी में लेते हैं। मैंने उनको साफ साफ कहा, औरंगजेब के जजिया से भी ज़्यादा गंदा ये मतलब कि टैक्स है, जो कि एक बंदा बीमार हो जाता है, पहले वो गवर्नमेंट को टैक्स दे, फिर वो पैरासीटामोल या कोई भी दवाई खाए। तो अब जो है ये PPE वगैरह है, दूसरी चीज़ें हैं, मास्क हैं, दूसरी चीज़ें, इनके ऊपर भी टैक्स लगाया हुआ है। तो इनके ऊपर टैक्स का कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट अगर हेल्थ सर्विसेज पूरी नहीं प्रोवाइड कर रही और वो करना चाहती है, टाइम लगेगा, तो एटलीस्ट जो लोग हेल्थ अपने कॉस्ट पे लेते हैं, गरीब आदमी, अमीर आदमी, उनको वो टैक्सेस जो है, जो प्योरली डॉक्टरीज के यूज़ के लिए, मेडिकल के यूज़ के लिए, उन पर टैक्स हटा दे, ताकि अगर नहीं दे सकती तो ले तो नहीं, मैं मरीजों से दे नहीं सकती। अच्छा, दूसरी बात कि हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में चाइना की तरह दो जो बच्चे, एक हस्बैंड वाइफ है, उनको एक बच्चा पैदा करना चाहिए, और इसके लिए लेजिस्लेशन लाना चाहिए कि
कोई भी हिंदुस्तान में जो मतलब कि बंदा है वो एक फैमिली जो मैरिज होती है वो एक बच्चा पैदा करे, अगर उसके बाद पैदा करेगी बच्चा तो उनको कोई पेनल्टी लगाई जाए या उनको कोई फैसिलिटीज विड्रॉ कर ली जाए। तो इस तरह मतलब कि उनको पनिशमेंट एंड रिवार्ड पॉलिसी पे चलते हुए हमको, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि उसके कारण जो है रिसोर्सेज इतने हमारे डेवलप्ड नहीं हैं, तो पॉपुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। एक शेर 2 लाख चूहों के बराबर होता है कि नहीं होता हा? तो इस तरह मतलब कि जो वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए एक जो और खतरा मंडरा रहा है कि जो जैसे चाइना में सिर्फ एक प्रोविंस में उन्होंने कंट्रोल कर लिया और शुरू हुआ और वहाँ पे उनके जो लोग थे बाहर गए इटली में स्पेशली और वहाँ से सारी दुनिया में फैल गया। तो अब ये चाइना हो सकता है कि स्ट्रांग हो जाए क्योंकि उन्होंने और कोरोना फैलने नहीं दिया, जबकि बाकी कंट्री इतने ज़्यादा हार्ड, उनके पास रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि लोगों को इतना कंटेन कर सके। हमारे यहाँ लेबर सारी फैल गई, पहले तबलीगी जमात फैल गई सब जगह,